हाय फ्रेंड्स, नवभारती परिवार में आपका स्वागत है। आई एम बलरामपुर जन असिस्टेंट प्रोफेसर नवभारती टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जय। तो दोस्तों, आज मैं शब्द दृश्य सामग्री के महत्व के बारे में चर्चा करूंगा। तो आज का जो हमारा विषय है वह है विषय श्रव्य दृश्य सामग्री का महत्व। जैसा कि हमने पिछली क्लास में श्रव्य दृश्य सामग्री के वर्णन के बारे में चर्चा की थी, यानी कि जो सहायक सामग्री है, जो शिक्षण अधिगम की सहायक सामग्री है, उनका वर्णन यानी कि वर्गीकरण कैसे किया गया है, और वर्गीकरण में उनको तीन रूपों में विभक्त किया गया था, यानी कि श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री। इसके अलावा जब हम इसके महत्व की बात करते हैं, जो श्रव्य दृश्य सामग्री का जो महत्व होता है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण है, और अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण जो श्रव्य दृश्य सामग्री का महत्व है, जो सबसे पहली जो महत्वपूर्णता ये साबित होती है कि ये वास्तविकता लाने में सहायक है। कहने का मतलब जो श्रव्य सामग्री है वो वास्तविक अनुभव कराता है, यानी शिक्षण अधिगम का जो वास्तविक अधिगम कराने वाली प्रक्रिया है वो क्या है, श्रव्य दृश्य सामग्री। तो सबसे पहली बात आती है कि श्रव्य दृश्य सामग्री वास्तविक ता वास्तविकता प्रदान करने में सहायक। यानी कि जो श्रव्य दृश्य सामग्री है वो वास्तविकता प्रदान करती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो वास्तविकता प्रदान करने का जो महत्वपूर्ण कारक है वो श्रव्य दृश्य सामग्री है। अब वास्तविकता प्रदान कैसे की जाती है, क्योंकि जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है तो उसके अंतर्गत वास्तविकता लाने के लिए कोई मॉडल को प्रस्तुत करना, जैसे मान लो कोई अध्यापक और लाल किले का वर्णन कर रहा है, यानी कि लाल किले के बारे में कक्षा कक्ष में पढ़ाया जा रहा है, तो कक्षा कक्ष के अंतर्गत लाल किले को तो प्रस्तुत किया नहीं जा सकता, तो ऐसी स्थिति में लाल किले का मॉडल प्रस्तुत किया जाता है। मान लो उस कक्षा के अंतर्गत किसी ने लाल किला जाकर के नहीं देखा है, यानी वास्तविक रूप में प्रत्यक्ष रूप में उसका भ्रमण नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में जो नहीं करने वाले बालक हैं उनको भी ऐसा अनुभव होगा कि लाल किला इस प्रकार का था, लाल किले की ये विशेषता है, लाल किला बनावट में कैसा है, उसका रंग कैसा है, इन सब के बारे में मॉडल के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो कहने का मतलब श्रव्य दृश्य सामग्री के द्वारा शिक्षण अधिगम को वास्तविक रूप प्रदान किया
जाता है। कभी कभी अध्यापक कभी कभी अध्यापक अमूर्त शब्दों को कह जाती हैं, परंतु जब किसी मॉडल या चित्र से अध्यापन कराया जाता है तो शिक्षण मूर्त रूप में प्रस्तुत होकर विद्यार्थियों विद्यार्थियों की समझ में आ जाता है। कहने का मतलब जो श्रव्यदृश्य सामग्री है इससे वास्तविकता आती है, यानी कि जो शिक्षण है उसमें वास्तविकता आती है, और जो शिक्षण कार्य वास्तविकता लिए हुए होता है वो अत्यंत ही प्रभावशाली होता है, क्योंकि उसमें एक वास्तविकता होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी माना जाए तो ये कहा जा सकता है कि जो प्रत्यक्ष अनुभव है, जो वास्तविक अनुभव है, वो अच्छे से प्राप्त किया जा सकता है। अगला है जो श्रव्य दृश्य सामग्री है, ये इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी बनती है कि श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से एकाग्रता आती है, यानी जो शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया है उसके अंतर्गत एकाग्रता लाने में सक्षम है। वो कैसे? क्योंकि जो शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया है इसमें बिना सहायक सामग्री के जब अध्ययन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में एकाग्रता का अभाव होता है, और एकाग्रता का जब अभाव होगा तो शिक्षण कार्य प्रभावशाली नहीं होगा। तो दूसरी बात आती है कि श्रव्य दृश्य सामग्री से एकाग्रता में वृद्धि कहने का मतलब श्रव्य दृश्य सामग्री से एकाग्रता में वृद्धि होती है, क्योंकि जब शिक्षण कार्य किया जाता है तो बालक का ध्यान केंद्रित हो जाता है। और बालक का ध्यान कैसे केंद्रित हो जाता है कि मान लो अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, और कक्षा में पढ़ाते समय या तो वो भाषण के माध्यम से पढ़ाएगा या फिर वो पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। तो पाठ्य पुस्तक के माध्यम से और भाषण के माध्यम से दोनों ही माध्यम ऐसे हैं जिसमें कोई निश्चित नहीं है कि बालक की एकाग्रता बनी रहे।
कोई जरूरी नहीं है कि बालक का ध्यान अध्यापक पर है, लेकिन जब बात आती है सर्वदर्श सामग्री की, उपकरणों की बात आती है, तो बालक का ध्यान निश्चित तौर पर उस पर केंद्रित हो जाता है। और जब बालक का ध्यान केंद्रित हो जाता है तो जो शिक्षण कार्य है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। तो कहने का मतलब सर्वदर्श सामग्री से एकाग्रता में वृद्धि होती है, और जब एकाग्रता में वृद्धि होती है तो शिक्षण कार्य प्रभावशाली बन जाता है। जैसे कक्ष में भाषण तथा पाठ्य पुस्तक कक्षा कक्ष में भाषण तथा पाठ्य पुस्तक की माध्यम से अध्यापन कार्य नीरस एवं प्रभावहीन होने की कक्षा कक्ष में भाषण तथा पाठ्य पुस्तक के माध्यम से अध्यापन कार्य नीरस एवं प्रभावहीन होने की संभावना वाला हो सकता है, परंतु सहायक सामग्री और विभिन्न उपकरणों की माध्यम से अध्यापन सामग्री और विभिन्न उपकरणों के माध्यम से अध्यापन कार्य अत्यंत प्रभावशाली और रोचक होने के साथ साथ यानी कि कक्षा कक्ष में भाषण तथा पाठ्य पुस्तक के माध्यम से अध्यापन कार्य नीरस एवं प्रभावहीन होने की संभावना वाला हो सकता है, परंतु सहायक सामग्री और विभिन्न उपकरणों के माध्यम से अध्यापन कार्य अत्यंत प्रभावशाली और रोचक होने के साथ साथ विद्यार्थी केंद्रित अधिगम बन जाता है।
कहने का मतलब दोस्तों कि जो शिक्षण सहायक शिक्षण सामग्री है, जो सर्वदर्श सामग्री है, उनसे शिक्षण प्रक्रिया में वास्तविकता तो आती है, यानी वास्तविकता के साथ साथ एकाग्रता आती है। और एकाग्रता कैसे आती है? क्योंकि जो सर्वदर्श सामग्री है उसके माध्यम से जब शिक्षण अधिगम किया जाता है तो शिक्षण प्रक्रिया विद्यार्थी केंद्रित हो जाती है, क्योंकि उसमें बालक सीधा और सहायक सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने वाला हो जाता है। यानी ऐसी स्थिति में जो शिक्षण कार्य है वो प्रभावशाली बन जाता है। और इसके बाद अगला आता है कि जो श्रव्य दृश्य सामग्री है वो शिक्षण को प्रत्यक्ष अनुभव करवाता है, यानी कि श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाली होती है। तो नेक्स्ट है आपने देखा था कि जो सर्वदर्श सामग्री है उस वो वास्तविकता प्रदान करता है, वास्तविकता प्रदान के साथ साथ एकाग्रता प्रदान करता है, और इसके अलावा जो शिक्षण अधिगम है वो प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला होता है। यानी कि जो शिक्षण अधिगम के उपकरण है, जब हम उन उपकरणों को का प्रयोग करते हुए अध्यापन कार्य कराएंगे तो जो अपना शिक्षण कार्य है वो कैसा होगा? प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला होगा। तो अगला है प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव कराने में सहायक। शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया के अंतर्गत जो सर्वदर्श सामग्री है वो एकाग्रता लाने में सहायक है, वास्तविकता वास्तविक अनुभव लाने में सहायक है, इसके साथ साथ ही प्रत्यक्ष अनुभव कराने में भी सहायक होता है। अब प्रत्यक्ष अनुभव कराने में सहायक कैसे होगा? क्योंकि जो सर्वदर्श सामग्री है वो हमको प्रत्यक्ष होने का अनुभव कराता है। वो कैसे कि मान लो कक्षा कक्ष के अंतर्गत हम महाद्वीपों का वर्णन कर रहे हैं, हम महासागरों का वर्णन कर रहे हैं, तो यह तो हो नहीं सकता कि हर विद्यार्थी को महाद्वीप और महासागरों को जाकर, यानी कि उनके पास जाकर और उनको प्रत्यक्ष अनुभव करा के ही पढ़ाया जाए। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि हम महासागरों का महाद्वीप का चित्र बना सकते हैं, और उन महासागर और महाद्वीप का चित्र बनाकर उनको यह प्रत्यक्ष अनुभव करवाया जाता है कि मानो यानी कि यहां पर कौन सी नदी बहती है, किस देश में कौन सी नदी बहती है, इन सब का प्रत्यक्ष अनुभव मैप के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा प्रत्यक्ष अनुभव की जब बात आती है तो भ्रमण के द्वारा भी, यानी भ्रमण में बात करते हैं तो मान लो विद्यालय का भ्रमण, किसी ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण कराना, और ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण करा के हम उनका प्रत्यक्ष अनुभव भी करा सकते हैं। तो कहने का मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत जो सर्वदर्श सामग्री है वो हमको प्रत्यक्ष अनुभव करवाती है। अब प्रत्यक्ष अनुभव के लिए यानी कि शिक्षण अधिगम में सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम में सहायक सामग्री और भ्रमण विद्यार्थियों को
विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम में सहायक सामग्री और भ्रमण विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव करवाने में सहायक है। सहायक सामग्री और भ्रमण विद्यार्थी को प्रत्यक्ष अनुभव करवाने में सहायक है क्योंकि विभिन्न उपकरणों के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति की जाती है, जैसे लाल किले का वर्णन आदि। कहने का मतलब दोस्तों कि जो श्रव्य दृश्य सामग्री है, जो श्रव्य दृश्य उपकरण है, जो सहायक सामग्री है, इन सबके माध्यम से छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव किया करवाया जाता है। तो कहने का मतलब श्रद्धा सामग्री के माध्यम से इनका जो महत्व की बात करते हैं तो ये कक्षा कक्ष के अंतर्गत एकाग्रता लाने में सहायक है, ये वास्तविकता लाने में सहायक है, ये प्रत्यक्ष अनुभव कराने में भी सहायक है। तो हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि सहायक सामग्री का शिक्षण अधिगम के अंतर्गत विशेष महत्व है और सहायक सामग्री का विशेष महत्व होने के कारण जो शिक्षण प्रक्रिया है वो प्रभावशाली तब बन जाती है जब सहायक सामग्री विभिन्न सहायक सामग्री और उपकरणों का प्रयोग करके कक्षा कक्ष में अध्यापन कार्य संपन्न कराया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।